भाई लीगल केस का क्या ब्रो, वो तो अभी देखो मैंने गार्डन मैनेजमेंट को तो सब कुछ बोला है, क्रॉन्टन को भी सब कुछ बोला है, वो लोग हैंडल कर लेंगे, तो उसका मेरे को कोई सीन नहीं है। तो बेसिक सी चीज़ें सी देखो, जो ये चल रहा है ना कि अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड हो या, तो वैसा कुछ सीन नहीं है अभी तक, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ मैं अभी। मैंने ऑलरेडी अपना टर्मिनेशन लेटर डाल दिया था, तभी जाके मैंने और को अप्रोच किया है, मैंने मेल पे मतलब उनको अपना टर्मिनेशन साइट दिखा दिया था, अपने रीजंस बोल दिए थे कि मेरे को क्या क्यों स्टिक नहीं करना है। और वैसे भी उनने मेरे को बेंच करके रखा था, मैंने लास्ट स्ट्रीम पे भी बोला था तुमको, जब लास्ट स्ट्रीम पे आया था तभी मैंने अपना टर्मिनेशन डाल के आया हुआ था। जो भी मेरा था, मेरा वैसे भी सब प्लेयर्स का तो अच्छा था, उनको जो सोचना है अभी सोचने दो, उसके लिए तो मैं उनको कंट्रोल कर नहीं सकता। जो उनके साथ मेरा था सब कुछ अच्छा ही था अभी तक के, तो बस ये जो लास्ट इवेंट के बाद थोड़ा सा थिंग्स अप एंड डाउन हुआ है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, उनका डिसीजन था, मेरा मैंने अपना डिसीजन बना लिया, अब वो अपने डिसीजन पे खुश रहेंगे, मैं अपने डिसीजन पे खुश रहूँगा। हाँ लैन तो खेल रहा हूँ भाई, लैन क्यों नहीं खेलूँगा, अगर प्रोफेशनली वर्क करना है तो सोशल पे जाके नहीं, इंटरनली चीज़ें हैंडल होती है। मैं तो सोशल पे जाके कुछ बोला नहीं, मैंने बस अपना ओपिनियन रखा था कि ये सब चीज़ें हो रही है, तो मैं इसके लिए अगेंस्ट स्टैंड लूँगा। अगर कुछ उनको अगर कुछ मेरे से बात करनी थी तो मेल के थ्रू हो सकती थी, इतना कुछ सोशल पे जाने की जरूरत नहीं थी, ना मैं जाऊँगा ना वो। मैं तो यही टॉपिक को यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि अब तो मैं गॉड लाइक के अंदर हूँ, अब वो मैनेजमेंट टीम संभाल लेगी जो भी चीज़ रहेगा, एक्टिंग। अरे भाई वेलकम टू गॉड लाइक, थैंक यू भाई।